नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किसी भी मामले में राजनीति करने, झगड़ा करने और अपना चेहरा चमकाने से बाज नहीं आते। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि पिछली बार की तरह इस बार भी गणतंत्र दिवस परेड के अंदर दिल्ली की झांकी नहीं होगी। दिल्ली की झांकी के अलावा पंजाब की झांकी भी देखने को नहीं मिलेगी। वो पंजाब की झांकी जो हमेशा से गणतंत्र दिवस परेड में जब आती है तो सब उसके आने से पहले, कैमरे को फोकस होने से पहले केवल ढोल बजने की जो थाप है, जो आवाज है, उससे ही ये पता लगा लेती है पूरे देश की जनता कि अब पंजाब की झांकी आ रही है। भांगड़ा बजता हुआ किसान खेतों में अपनी फसल काटते हुए, बैसाखी का त्योहार मनाते हुए, रंग बिरंगी पगड़ी पहने हुए, रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए, इतने सजे धजे स्त्री और पुरुष कलाकार पंजाब की झांकी को जिस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, सचमुच बहुत मनभावन होता है और पूरे देश के लोगों का सीना गर्व से फूल जाता है। पूरे देश का जो सर है वो सम्मान से और गर्व से ऊंचा हो जाता है। लेकिन केजरीवाल ने यहां पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आए, राजनीति नहीं छोड़ी। इसका खामियाजा ये है कि इस बार, पिछली बार दिल्ली की झांकी नहीं नजर आ रही थी क्योंकि वो हर बार अपनी चलाने की कोशिश करते, लेकिन इस बार दिल्ली के साथ साथ पंजाब की झांकी भी गणतंत्र दिवस परेड से गायब होगी, नजारत होगी। सचमुच बहुत किसी भी स्टेट के लिए, किसी राज्य के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं होता है, क्योंकि जब किसी स्टेट की झांकी रिजेक्ट होती है तो बाकायदा उसके पीछे कारण दिया जाता है कि क्यों रिजेक्ट हुई। और हम आपको ये भी बता देते हैं कि जो झांकी की जो थीम है, हर स्टेट को केंद्र सरकार की तरफ से दी जाती है और उसी के आधार पर झांकियों के मॉडल तैयार किए जाते हैं। लेकिन इस बार केजरीवाल एंड कंपनी ने इतनी अति उठा दी कि दो राज्यों की, दो स्थानों की जो झांकियां है इस बार गणतंत्र दिवस परेड से नदारद है। सचमुच बहुत दुखद होगा। पंजाब की झांकी देखने का जो सुखद अनुभव हमेशा से देश की जनता को होता है वो इस बार नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनके जिद के आगे, आम आदमी पार्टी के जो एंड कंपनी है केजरीवाल की, उसकी जिद के आगे इस बार पंजाब की झांकी भी रिजेक्ट हो। बहुत बुरे, बहुत शर्मनाक है ये और बहुत दुखद है ये। सचमुच ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी स्टेट जो अपनी झांकियों को वहां पर भेजते हैं वो केंद्र सरकार की थीम के ऊपर अपने झांकियों के मॉडल बनाकर वहां पर पेश करते हैं। लेकिन क्योंकि ये तो केजरीवाल एंड कंपनी है, ये किसी की थीम कहां मानने वाली है। ये तो कहते हैं हम चुनी हुई सरकार है, हम चाहे जो करें, लेकिन है बहुत दुखद। गणतंत्र दिवस परेड से जिस तरीके से पिछली बार नहीं थी झांकी, इस बार भी गायब है दिल्ली की झांकी के साथ। इसके साथ ही पंजाब की झांकी भी दिखाई नहीं देगी। इस पर जो दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज है और प्रवक्ता है, जो बार बार अपना चेहरा दिखाने के लिए आते हैं और ऐसी बातें कहते हैं जो किसी को नहीं पचती है, अपने ही चंपू पत्रकारों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ड्रामा करने के बाद वो अपनी वीडियो सारी डलवा के सर्कुलेट कराते हैं, तो सौरभ भारद्वाज ने इसे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और दुर्भावना से प्रेरित बताया है। उनका कहना है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने बहुत शरीफ, बहुत ऐसा मासूम चेहरा बना के बोलते हैं साहब, कि सचमुच बहुत कोई भी आदमी उनके झांसे में आ जाए, क्योंकि इन सभी के चेहरे बहुत शैतानों वाले, पीछे से जो भी है लेकिन सामने बहुत एकदम इनोसेंट चेहरे हैं। ऐसा बना के उन्होंने कहा कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण है। केंद्र सरकार चाहती तो कुछ भी कहती, हम इसमें बदलाव कर लेते, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अब हम आपको बताते हैं कि दरअसल गणतंत्र दिवस परेड में
शामिल होने वाली झांकियों के थीम केंद्र सरकार की तरफ से दी जाती है और केंद्र सरकार ने इस बार जो थीम दी थी वो विकसित भारत दी थी। आप इसको जरा गौर से सुनिएगा, विकसित भारत दी थी। लेकिन आम आदमी पार्टी का विजन और कमाल देखिए, इसको दोबारा सुनिएगा, आम आदमी पार्टी एंड कंपनी का विजन और कमाल देखिए कि विकसित भारत में उन्होंने विकसित भारत के रूप में उन्होंने दिल्ली के स्कूलों को और मोहल्ला क्लिनिकों का मॉडल बनाकर झांकी में भेज दिया। और इतना ही नहीं, उन मॉडलों पर जो दिल्ली का जो मोहल्ला क्लिनिक और स्कूलों का जो मॉडल था जिनमें इनको राष्ट्रीय पुरस्कार पद्म श्री और सब कुछ मिल रहे थे, हालांकि शिक्षा मंत्री तिहाड़ जेल के अंदर सड़ रहे हैं, लेकिन मॉडल स्कूलों का दे दिया, स्कूलों से बच्चे छोड़ रहे हैं, पढ़ाई का सत्यानाश कर दिया केजरीवाल एंड कंपनी ने, लेकिन झांकी में स्कूलों का और मोहल्ला क्लिनिकों का मॉडल दे दिया। ये वही मोहल्ला क्लिनिक है जिनमें नकली दवाइयां दी जा रही हैं, जिनके सैंपल फेल हो गए हैं, एक्सपायरी डेट की दवाइयां बांटी जा रही हैं, उनके मॉडल को झांकियों में दे दिया गया। और उन पर इसके इतने से भी नहीं, भी इनको ये बात आए, इन पर जो दिल्ली की झांकी थी उस पर अरविंद केजरीवाल की तस्वीर लगा दी गई जो मुंह चमकाते हुए, और पंजाब की झांकी पर स्कूल और मोहल्ला क्लिनिकों के मॉडलों के ऊपर अरविंद केजरीवाल के अलावा वहां पर भगवंत मान की फोटो चिपका दी गई। कितने छपास के रोगी हैं ये लोग। अब ऐसे में आप सोचिए, हम दिल्ली की जनता से पूछना चाहते हैं, 70 सालों के 76 सालों के इतिहास के अंदर कभी आपने किसी झांकी पर किसी मुख्यमंत्री का चेहरा देखा है, या किसी झांकी के मॉडल के अंदर आपने वहां के स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक देखे हैं? क्या कभी किसी ने यहां पर डिस्पेंसरियां छापी थी? क्या कभी अस्पताल छापे थे किसी स्टेट ने? कभी नहीं। आप इतिहास टटोल के देखिएगा, कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये कमाल तो सिर्फ देश की एक अनोखी और इकलौती पार्टी आम आदमी पार्टी कर सकती है। अब अगर ऐसे में केंद्र सरकार उनकी झांकियों को रिजेक्ट ना करे तो क्या करे? लेकिन इस पर भी ये बवाल मचा रहे हैं, और सौरभ भारद्वाज जिस तरीके से कह रहे हैं मासूमियत से कि हमें कह देते हो हम चेंज कर, अरे भैया आपने ऐसा किया ही क्यों था? कौन से मोहल्ला क्लिनिक वर्ल्ड क्लास हो गए? आप अपने इनके मंत्री फोर्टीज और मैक्स अस्पताल में इलाज कराते हैं, दिल्ली की जनता को भेजते हैं मोहल्ला क्लिनिकों में, मोहल्ला क्लिनिक और सरकारी अस्पतालों में वही हैं ये जिनमें नकली दवाइयां दी जाती हैं, जिनके सैंपल फेल हो रहे हैं लगातार, और जिनमें एक्सपायरी डेट की दवाइयां बांटी जाती हैं, उनके ये मॉडल दे रहे हैं। जिन स्कूलों के बच्चों में रोज मर्डर होने की और मारपीट की चाकूबाजी की घटनाएं सामने आ रही हैं, उनका स्तर लगातार स्कूलों का गिर रहा है, शिक्षा का स्तर गिर रहा है, बस्तों से पिस्तौल और चाकू बरामद हो रहे हैं स्कूलों में, उनके उन स्कूलों के मॉडल भेजे हैं। क्या करती केंद्र सरकार? फेल नहीं करती तो क्या करती? आप समझिए किस तरीके का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, और फिर हल्ला मचाया जा रहा है कि हमारी झांकियां फेल कर दिया, यानी कि रिजेक्ट कर दिया। इस सारे मामले पर भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया है, और बांसुरी स्वराज ने यह कहा है कि दिल्ली की झांकियों में अरविंद केजरीवाल और पंजाब की झांकियों में भगवंत मान की फोटो को भी लगा रहे थे, इसलिए इन्हें रिजेक्ट किया गया। और केजरीवाल या जो भी आम आदमी पार्टी के लोग हैं, ये जनता को क्यों नहीं बताते कि वो इन पर अपना फोटो लगाना चाहते थे, इतिहास बदलना चाहते थे? इतिहास तो बदल ही दिया, दिल्ली का ही इतिहास बदल दिया इन्होंने, पंजाब का ही इतिहास बदल दिया इन्होंने। सिर्फ एडवर्टाइजमेंट की सरकार चलाते हैं ये लोग, बड़े बड़े घोटाले करते हैं, इनके तीन तीन चार चार नेता सजाओं में जेल काट रहे हैं, लेकिन ये बाज नहीं आते, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी एंड कंपनी है, गारंटी है इनकी कि ये तो ऐसे ही करेंगे, ये तो
बाज आएंगे ही नहीं, क्योंकि ये इन्हें चुन के गलती से चुन लिया जनता ने। ये सारी जो जो मुफ्त मुफ्त की रेवड़ियों का जो जादू इनकी इनको यहां तक ले आया। तो ये जो सारा मामला है, इस बार आम आदमी पार्टी की वजह से पंजाब भी अपनी झांकी नहीं दे पाएगा और देश की जनता, दुनिया की जनता, दुनिया के जो गणतंत्र दिवस परेड पर जो नजर रखते हैं, वो लोग इस बार पंजाब को नहीं देख पाएंगे झांकियों के तौर पे। देश और दुनिया में पंजाबियों की, सिखों की बहुत बहुत तादाद है, देश से बाहर भी बहुत सारे रहते हैं जो पंजाब का ढोल नगाड़ों की आवाज सुनकर ही समझ जाते हैं और बड़ा प्रफुल्लित तो होते हैं देख करके पंजाब की झांकियां में। इस बार वो निराश होंगे और वो निराश किन की वजह से होंगे कि ये उन झांकियों पर अपने फोटो लगाना चाह रहे थे और मोहल्ला क्लिनिक जो सबसे फ्लॉप शो है, सरकारी स्कूल जिनका इन्होंने सत्यानाश कर दिया है, उनको ये गणतंत्र दिवस की परेड में मॉडल के तौर पर अपनी फोटो लगाकर पेश करना चाह रहे थे। ये बात दिल्ली की जनता को समझनी होगी, क्योंकि ये वीडियो और फर्जी फेक चीजों को पेश करके इस मामले को भी तूल देना चाहेंगे। इसलिए हम ये खुलासा कर रहे हैं आपके सामने कि आप देखिए, सोचिएगा जरूर, क्या किसी झांकी के अंदर आपने कभी किसी इस तरीके की चीजों को देखा है, कभी किसी मुख्यमंत्री का फोटो लगा देखा है? जरा सोचिएगा गौर से, अगर ये अगली बार से ऐसा करें तो आप इनके किसी भी आदमी को ये जवाब जरूर दीजिएगा कि आप भी गलत कर रहे थे। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।